जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और हमारे प्यारे से ब्लॉग में। हम दोनों भोपाल मध्य प्रदेश से 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की पैदल यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा टोटल 12,000 किलोमीटर की है, जिसमें से 277 दिनों में हमने 5,620 किलोमीटर की यात्रा तय करके अवसर के कालिका मंदिर पर आ चुके हैं और कल रात्रि का विश्राम हमने यहाँ पर किया था। इसी को कुछ इस प्रकार दिखाया था और इसी के ऊपर हमने हमारी पन्नी बिछा ली थी। तो बस अभी सुबह हो चुकी है, रात्रि विश्राम बहुत ही खराब हुआ क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा था। हमने आलस के कारण कैंप नहीं लगाया, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, उतार चढ़ाव हमारे साथ। बाकी मैया जी का आशीर्वाद लेके निकलते, वैसे तो पट बंद है, अभी बढ़ देंगे हर हर महादेव। तो भाई मंदिर से आगे बढ़ चुके हैं हम, बस मैया जी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ गए और देखते हैं कितना किलोमीटर चलेंगे आज। अच्छा ही चलेंगे। वैसे रात में चाचा जी ने हमें चावल ला दिए थे और कुछ चीजें ला दी थी, अच्छा करा उन्होंने ला दिया, क्योंकि नहीं पिलाते तो क्या था, पेट तो भरा ही हुआ था। भैया लोगों ने हमारे लिए भोजन भी रख दिया था तो वो भोजन खा लिया था हमने वहाँ के जगह। वैसे तो हमारी आदत एक टाइम की है, लेकिन कल हमने 3-3 बार खाया तो काफी अच्छी बात है। तो आज देखते हैं, ऐसे थोड़ा शरीर फूल जाए यार खा पी के तो अच्छा होगा, चलने में आसानी होगी। बाकी आज हमने सुबह से मुंह नहीं धोया है, ऐसे ही निकल गए क्योंकि पानी आने की व्यवस्था थी नहीं वहां पर, दैट्स व्हाई। तो बस पहुंचते हैं आगे, मिलते हैं आगे। हर हर महादेव, मिट्टू भी आ रहा पीछे, तो हर हर महादेव। दोस्तों अभी हमने लगभग 10 किलोमीटर चल लिए हैं और लातूर सिटी में एंटर होने वाले हैं। लगभग लातूर सिटी यहां से होगी 2 या 3 किलोमीटर, तो लातूर सिटी से पीछे ही रुकेंगे हम। लातूर सिटी में एंटर नहीं करेंगे क्योंकि वहां की जगह बहुत सारी शोर शराबा रहेगा, लोग उन रहेंगे, तो कोई मंदिर वगैरह देखेंगे इधर ही और फिर वहीं पर रुकेंगे 10 या 15 किलोमीटर। अभी कितना चले हमको मालूम नहीं है। वैसे लातूर हमारे वहां से 18-19 किलोमीटर था, तो मतलब समझ जाओ आप कितने किलोमीटर चल लिए हैं हम, ये बात है। तो मिलते हैं आपसे वहीं पर जहाँ पर रुकेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो भाई अभी हम आ चुके हैं इस मंदिर पर जो कि स्थित है पता नहीं कहाँ पर, कोई मालूम नहीं मेरे को यहाँ पर। जब से हम आए बिट्टू भैया सो रहे हैं उधर साइड, देख सकते हो आप। तो ये मंदिर है, देख सकते हो आप, ये बिल्कुल यहाँ पर मतलब काफी अच्छी स्पेस है देखा जाए तो, और मेरे बाल भी खुले हुए हैं। और हनुमान जी का मंदिर है ये, देख सकते हो आप, हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, चाहे बजरंग बली। और महाराज जी तो हमारे साथ है, हनुमान जी, शिव जी, और कुछ इस प्रकार डिजाइन है। और एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मंदिर बनते हैं मतलब बढ़िया से है, कोई रोक टोक नहीं है सोने के लिए, तुम सो आओ कुछ भी करो भाई, मतलब खुली छूट है पूरी। ये देखो सामने भाई ये सा रखा पड़ा है, और यहीं पर हमने हमारा पूरा फट्टा वगैरह बिछा के रखा। बिट्टू भैया आए हैं, जब से सोते ही रह रहे हैं, पता नहीं यार नींद कैसे आ रही है इनको, इतनी मेरे को तो इतनी नींद भी नहीं आती। कैसे सो लेते इतना इंसान। भाई देखते हैं जब भी बढ़ेंगे आगे बताते हैं, जय श्री राम हर हर महादेव। तो भाई अभी हम निकलने वाले हैं मंदिर से और हमने हमारी पैकिंग वगैरह कर ली है सब कुछ, और बस विश्राम भी कर लिया। अभी लगभग समय के 3:30 बज चुकी है, निकलने वाले हैं अब हम क्योंकि जल्दी निकलेंगे। मौसम खुला हुआ है ना यार, ओपन है बिल्कुल, फ्रेश फ्रेश, ज्यादा टाइम लगाएंगे फिर उधर भी ज्यादा लेट हो जाते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई। आइए निकलते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेके, जय श्री राम, और मिलते हैं आगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई ये चीज नहीं दिखी यार, सामने ये रख देते, पहले वो खंभा बनाते थे ये साउथ वाले, और अब ये बना देते हैं खुद को महाराष्ट्र में, समझ में नहीं है। नई चीज, यूनिक चीज, आई लाइक दिस। मैंने मेरे जूते वहां पर रख दिए थे कि गीले नहीं हो जाए, इसलिए वो छांव में रहेंगे, और डर भी था कि चोरी ना हो जाए क्योंकि हाईलाइट होते, लेकिन नहीं हुए, माय लक अच्छा था। पहनेंगे, निकलेंगे और बढ़ेंगे आगे, यही हमारी अभी जिंदगी चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी लगभग 6 महीने, और फिर उसके बाद घर पहुंचेगी यार। जय श्री राम। तो भाई पहन लिए जूते, बिट्टू भैया ने चप्पल पहन ली और बिट्टू भैया भी तैयार हो गए, बस निकल गए अब हम दोनों।
मूछ उछ पे ताव देते हुए बिट्टू भैया, बाकी बाल तो एकदम समटे हुए हैं उनके, देख सकते हो तुम, देखो स्टाइल मारते हुए। भैया मजे करो लाइफ में, हमारी तरह प्रेजेंट टाइम में जियो भाई, प्रेजेंट टाइम में जियो। एक एक समय तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, वो समय को व्यर्थ मत जाने दो, हर समय हंसो, सिर्फ हंसो। इसी तरह मत हंसना, ये तो बहुत बेकार चीज है हंसना। तो रोड पे आ चुके हैं, यहाँ पे नल लगा हुआ है, पानी भर लेते हैं बोतल में, बस पानी भर के निकलते हैं। हर महादेव। दोस्तों मंदिर से आगे बढ़ के हम अभी एक पंडाल में बैठे हुए हैं, जो कि तुलजा भवानी जाने वाले लोगों के लिए लगा हुआ है, जिसमें प्रसाद वितरण करते हैं। तो अभी हम खा रहे हैं, मतलब मैंने तो खा लिया है, अभिषेक खा रहा है चावल के साथ सब्जी। सब्जी मांगी भैया, लोग उधर बैठे हुए और भी खा पी के इधर से अभी थोड़ी देर से निकलेंगे हम। बाकी सुबह से हमने कुछ खाया था नहीं, बना हुआ ऐसा, बस मूंगफली खा ली थी हमने और बिस्किट खाए थे और नमकीन वो। तो फिर पढ़ेंगे आगे, बताएंगे आपको, बने रहे हमारे साथ। बाकी इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? धीरे धीरे सुना रहा होगा इतना तो यार, कान बहरे तो। चलो ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम बाद में। तो भाई निकल गए हैं खा पी के, सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस मूंगफली और वो बिस्कुट और सेव खाई थी थोड़ी बहुत, उनमें कोई पेट ही नहीं भरा था, लेकिन अब चावल खा लिए। लेकिन एक बात का दुख रहा कि पूरी बाद में आई। पूरी नहीं मिली, थोड़ी देर अगर बात खाते तो शायद पूरी मिल सकती थी, लेकिन जब हमने पेट भर लिया जब पूरी आई। खैर आगे और कोई भी होगा बांटने भर, बाकी अच्छा रहा। और आज मैया जी भी विदा होने वाली है, आज या कल कन्फर्म नहीं। भाई मिलते आगे, बढ़ चुके हैं हर हर महादेव, जय श्री राम। तो भाई आपको दिख रही होगी लातूर सिटी दूर से ही, और बस पहुंचने ही वाले हैं हम। लावन डर ही नहीं है, पहुंचने ही वाले अभी हम लातूर सिटी में। बहुत दिनों से चल रही है ये लातूर लातूर लातूर, जब से कर्नाटक में एंटर हुए थे लातूर खत्म ही नहीं हो रहा था, फाइनली आज हम क्रॉस कर जाएंगे लातूर को। जगह आप हम बोलेंगे परली बैजनाथ परमंडी, फिर उसके बाद हम बोलेंगे ग्रीष्मेश्वर। अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे हम, मिलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी कौन से गांव में पता नहीं, छोटा सा गांव है। बाकी सुबह से अभी तक हम 24 किलोमीटर चल चुके हैं। मजा आ गया भाई, दत्त जी का मंदिर है, और दत्त जी का मंदिर है वहां पर, क्या मस्त भजन अजन चल रहे थे, एक नंबर शांति। दादाजी यहाँ पर बहुत ओल्ड जो कि पुजारी हो सकते हैं यहाँ पर, हमने उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करी क्योंकि उनको बस मराठी आती है, हिंदी आती नहीं है प्रॉपर। तो ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना बहुत बेकार है, मतलब हर जगह एक नई लैंग्वेज, तो कम्युनिकेट नहीं हो पाते लोगों से, उनको बता नहीं पाते हैं कि यार क्या है। बाकी अभी हमारे लिए खिचड़ी आ चुकी है यहाँ पर, साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना की खिचड़ी बोलते हैं, मैं साबुदाना बोलता हूँ बस। हाँ बकरे साबुदाना, और इसकी खीर बनती है, खिचड़ी मैंने अभी तक नहीं बोला, मम्मी बनाती है। तो इधर ही हम रुकने वाले हैं आज, अभी हमने पूछा इधर से आके, तो इधर ही आज रात्रि विश्राम रहेगा हमारा यहीं पर। वो चाचा जी ने मतलब उनके यहाँ पे कुछ पंडित जी के घर पे ही है शायद, पंडित जी मतलब जिनका मंदिर जिनके घर के साइड में घर है उनका, उन्होंने ही हमें खिचड़ी ला के दी है, क्योंकि सभी लोग व्रत हैं तो साबुदाने की खिचड़ी बनी है, कुछ अलग से कुछ बनानी है। बाकी आज का दिन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा, ज्यादा मतलब कुछ खास हुआ नहीं, कम वीडियो बनी, कम एक्टिविटी हुई, कम लोगों से मिले। बाकी बीच में हमने सूट ने लिया लातूर का, क्योंकि लातूर में हम कुछ अलग अलग चीजें करने लग गए थे। अलग अलग चीजें ये है कि एक मोबाइल देख रहे थे हम, वो भी मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो फिर से खराब हो गया, परसों के दिन एक दिन गिर गया था, और फिर हमने क्या हुआ रात में, वो चोरी के डर के कारण ऐसे रख दिया था, तो मैं उसके ऊपर सोया रहा रात में, तो टूट गया पूरा, गड़बड़ी हो गया, तो हम चेक करवाने लग गए थे हमारे सिविल स्कोर वगैरह इनका, देखते हैं कुछ यदि फाइनेंस वगैरह हो जाएगा तो। नहीं तो हुआ ये कि
वहां पर गए हम दुकान पर, तो भैया लोगों ने मस्त, मतलब जो भी भैया लोग मिले हमसे बहुत अच्छे से रिलेट करा, उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत करी। और बताना चाहूंगा कि जो मोबाइल का प्राइस था, मतलब हमको जो डिपॉजिट जमा करना था तुरंत, वो थे 7,000 रुपए, और हमारे पास तो फूटी कौड़ी है, फूटी कौड़ी मतलब 2,000 रुपए है जो लोगों ने हमको दिए हुए हैं। तो हम सोच रहे थे कि महीने किस्त वगैरह करके दे देंगे, लेकिन 8,000 रुपए बहुत ज्यादा हो, दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं, समय है, आज है, फिर कल अच्छा जाएगा, अभी थोड़ा बुरा चल रहा है। तो वो कैंसिल करके हम आगे बढ़ चुके हैं, 2-3 जो दुकान पर रुके थे वहां पे, लेकिन उनसे पूछा था रहा सही जमा नहीं, तो हमने सोचा चलो ठीक है छोड़ते हैं अभी इसको, अपन चलते हैं आगे। तो हमने सिटी पार कर दी है लातूर, सिटी से हम आ चुके हैं 2-3 किलोमीटर आगे, यहीं पर रुकेंगे अब, सुबह आपको बताएंगे हम क्या करेंगे और किधर से निकलेंगे। और अभी इधर से गांव वाला रास्ता बहुत ज्यादा जा रहा है, छोटे से छोटे से गांव है और जिनमें मंदिर भी नहीं है। यहाँ पे भी एक मंदिर था, ये बड़ा सा मंदिर है लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि कॉम्प्लिकेटेड हुआ, अलग कुछ है कि यार, जैसे उनसे पूछा फिर वो कंफ्यूजन में पड़े, बोले यार क्या करें उसके बाद। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे छोड़ो खिचड़ी, मतलब साबुदाने पे फोकस करो, खाओ और सो, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, भगना है। जय श्री राम, मिलते सोते समय। चलो भैया ठीक है, ओके मिलेंगे फिर। वो दोस्तों मंदिर के ऊपर ही चल रहा है कर्मा, तो मैं नीचे से देखने आया, मैं तो बाहर चल रहा होगा लेकिन देखा तो यहाँ पर चल रहा है। तो देखो सभी लोग कर रहे हैं, देखो और भाई, तो भाई लोग मिले हैं, आप योर नेम कृष्णा भैया मिले हैं, इनसे आगे का रास्ता पूछा हमने, इधर ही मजे दे रहे हैं, इधर हैं गरबा देख रहे हैं, फिर मिलेंगे आगे सोते समय। बाकी अभिषेक तो नीचे सोया हुआ है, उसको नींद लग गई है, मैं आया हूँ ऊपर, मैंने सोचा कहीं बाहर हो रहा होगा गरबा, लेकिन इधर हो रहा है ऊपर मंदिर पर, मैं देखते हैं, फिर मिलेंगे आगे।